तो स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास इंप्रेस में। तो आज हमारे सामने ऑल न्यू एमजी एस्टर। तो फर्स्ट टाइम में मैं अपनी चैनल पे आपको दिखा रहा हूँ ये एमजी एस्टर। तो कुछ इस तरह की प्रीमियम गाड़ी मिलती है, कुछ इस तरह की ग्रिल डिज़ाइन मिल जाती है जो बहुत ही डिफरेंट है और इस सेगमेंट की गाड़ी से। तो आगे की ओर आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट हेडलाइट और LED DRL लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है जो कुछ इस तरह की डिज़ाइन के साथ में मिलती है, और नीचे की ओर फॉग लाइट भी मिलती है। देख सकते हो काफ़ी तगड़ी लाइट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे एलॉयज़ की डिज़ाइन की बात कर लो वो भी काफ़ी डिफरेंट है। टायर्स की बात करो 215/55 17 इंच के टायर्स भी आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। यहाँ पे ORM के अंदर आपको इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस भाई इसका 205 mm का है जो बहुत सारी गाड़ियों से बेहतरीन है। मतलब MG Hector का भी 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे कुछ इस तरह की रूफ रेल वगैरह भी देखने को मिल जाती है। डिज़ाइन में मतलब काफ़ी अच्छी है, कॉम्पैक्ट SUV के अंदर ही आती है, प्रॉपर SUV नहीं आती है। सैक्फिन इंटीरियर मिल जाता है, डीफॉगर मिल जाता है, पीछे की ओर LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की डिज़ाइन के साथ में, वो भी काफ़ी डिटेल के अंदर मिल जाती है। वाइपर मिल जाता है, रियर वाइपर ZS वेरियंट मिल जाता है, एस्टर की बैजिंग मिल जाती है। और इसकी बूट देखो कैसे ओपन होती है, मतलब बिल्कुल मिस्टीरियस तरीके से ओपन होती है। यहाँ पे देखो भाई MG के लोगो से हमको बूट को ओपन करना होता है। सबसे पहली बार मैंने देखा तो मुझे भी कुछ नया लगा। पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है। बाकी बूट्स पे से इसकी 488 लीटर्स की, मतलब 488 लीटर्स की बूट्स पे से, जो काफ़ी बड़ी हो जाती है भाई। मतलब कौन सी गाड़ी में इतनी बड़ी बूट्स पे जाती है, मतलब ऐसी सेगमेंट की गाड़ी में, वो ज़रूर देना। ऐसे प्राइस भी उतनी ही आपको देखने को मिलती है ये गाड़ी की, तो ऑब्वियसली बूट स्पेस इतनी मिलती है और वो भी प्रीमियम नेस के साथ में। तो चलो बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, इंजन वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। बाकी गाड़ी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर देना। तो इंजन की बात करो, VTI Tech 1498 cc का इंजन देखने को मिल जाएगा। 108.49 bhp पावर और 144 Nm टॉर्क आपको देखने को मिलने वाली है 4 सिलेंडर के साथ में। ऑब्वियसली इतना बड़ा इंजन होगा तो 4 सिलेंडर के साथ में मिलेगा। कंपनी इसकी माइलेज 14.82 की क्लेम कर दिए और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 48 लीटर्स की। तो अब देखते हैं इसका इंटीरियर वगैरह। बाकी गाड़ी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो इंटीरियर देख लेते हैं। कीलेस एंट्री ऑब्वियसली देखने को मिलेगी क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है। साइड की बात करूँ तो यहाँ पे पावर विंडोज की ऑप्शन मिल जाएगी और यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो पूरी की पूरी गाड़ी को। पावर विंडोज के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स भी देखने को मिल जाती है और वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और जिस तरह का इंटीरियर बनाया गया है वो गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। तो अंदर बैठ के देखते हैं कितनी प्रीमियम चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। तो मैं फाइनल में आ चुका हूँ भाई ऑल न्यू MG Aster के अंदर और हमारी चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। और ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मतलब भाई इसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत सारे फीचर्स है, वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे देख लो भाई 10.1 इंच की डिस्प्ले मिलती है आपको, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो देखने को मिल जाने वाला है। बाकी AC कंट्रोल्स वगैरह भी यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो और इस तरफ से भी है, ठीक है। ये मीडिया साउंड के लिए, ये और ये AC प्लस माइनस के लिए यहाँ से है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाने वाली है। और यहाँ पे देख लो भाई रोबोट है भाई MG का। तो भाई MG वालों ने देखो भाई क्या ही मस्त चीज़ लगा के रखी है। बाकी कुछ इस तरह की क्लस्टर डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे AC वेंट्स कुछ इस तरह के देखने को मिलने वाले हैं। डैशबोर्ड की डिज़ाइन देख सकते हो और यहाँ पे जो फिनिशिंग दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइनिंग में दी गई है। तो भाई सबसे पहले क्लस्टर की डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरह की क्लस्टर की डिज़ाइन मिल जाती है। और स्टीयरिंग भाई बहुत ही डिफरेंट है बाकी गाड़ियों से। यहाँ पे MG का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे राउंड शेप मिल जाता है भाई। बाकी वॉइस पिच का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे कॉल अटेंड करने वाला ऑप्शन। और ये देखो AC वेंट की डिज़ाइन जो ये वाली होती है ना बहुत ही तगड़ी होती है और यहाँ से आप पूरी गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। चारों के चारों विंडोज के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से आप मिरर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। नीचे स्पीकर और बोतल वगैरह रखने की स्पेस मिल जाती है। 10.1 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑटो आयरन वगैरह देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे LED लाइट देखने को मिलेगी। साइड में यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का वैनिटी मिरर देखने को मिलने वाला है और इस तरफ भी आपको मिरर देखने को मिलने वाला है। ग्रैब एंड इस तरफ नहीं मिलेगा, इस तरफ मिल जाएगा। और यहाँ पे स्मूथ वाला नहीं मिलने वाला है। और USB पोर्ट भी मिल जाता है दो, और 12 वाट का पोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे AC वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं।
बाकी यहाँ पे वेंटिलेटर सीट्स के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे देख लो भाई, जब भी हम ढलान पे चल रहे हो तब ये काम लगता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलने वाला है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ऑटो पार्किंग ब्रेक्स वगैरह भी देखने को मिलने वाली है। दो कपड़ोल मिल जाते हैं, बड़े बड़े वाले आमरेस भी मिल जाता है, वो भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करो तो कुछ इस तरह का ग्लव बॉक्स भी देखने को मिलने वाला है। भाई देखो, अभी गर्मियों चल रही है और अगर मैंने फ्लैश लाइट जलाई तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ा अंधेरा आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पे जो ये चीज़ है वो मुझे ज़्यादा पसंद आई है भाई, ठीक है। चलो अब पीछे जाके दिखा देता हूँ कितनी स्पेस वगैरह मिलते हैं। बाकी गाड़ी तो काफ़ी अच्छी बनाई है भाई, सारी एम जी की गाड़ी प्रीमियम ही होती है भाई। ये देखो, हे एम जी भाई, लिटरली यहाँ पे बिल्कुल ही हमको रिप्लाई देता है। इसमें देखो भाई कैसे मस्त जैसे इशारे कर रहा है भाई। तो पीछे जाके दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हमें मिलेगी। तो फाइनली हम आ चुके हैं पीछे की ओर, और सबसे पहले यहाँ पे आपको एलईडी लाइट देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे ग्रैब एंड कुछ इशारे देखने को मिलने वाला है। लेग स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया लेग स्पेस देखने को मिल जाती है। बीच में आपको यहाँ पे आमरेस्ट भी देखने को मिलने वाला है। और तो भाई ये भी प्रीमियम है, यहाँ पे ग्लास वगैरह रख सकते हो, मतलब बॉटल वगैरह, तो कुछ इस तरह से बंद भी हो जाता है। वेंटिलेटेड सीट भी मिलती है और काफ़ी कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो। पावर विंडोज मिल जाता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है, और सनरूफ तो मिलेगी आपको, पैनोरामिक सनरूफ है, ठीक है। बाकी तीन तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कैसी लगी गाड़ी वो कमेंट के अंदर जरूर देना। पीछे की ओर पासेंजर भी देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे दो दो एसी वेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो बाहर जाके मैं आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह बता देता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर मिल जाता है एमजी एस्टर का, तो कैसी लगी आपको जरूर देना। ये वेरियंट है एमजी एस्टर शार्ट प्रो सीवीटी वेरियंट, इसकी एक्सोरूम प्राइस 16 लाख रुपये। बाहर आते आते ये आपको मिल जाती है 18,50,000 के करीब तक, तो काफ़ी महंगी गाड़ी है, तो फीचर्स तो देती है आपको। तो कमेंट में ज़रूर देना और कौन सी कार का रिव्यू आपको चाहिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसी नई कार की रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम आप सभी को।